समाजवादी पार्टी से मैनपुरी विधानसभा 107 सदर सीट के लिए राजकुमार यादव ने एक अनोखे अंदाज में साइकिल से पहुंचकर नामांकन किया। मैनपुरी में अब तक वोगांव से दो और मैनपुरी से दो, करहल विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी सहित 5 नामांकन किए जा चुके हैं। इस मौके पर पूर्व मंत्री रहे जयवीर सिंह ने मीडिया से सपा पर तंज कसते हुए कहा कि मैनपुरी के करहल सीट से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से यहां किसी भी सीटों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका समाजवादी पार्टी पर उल्टा असर पड़ेगा क्योंकि साइकिल अब चल नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर सरकार बनाएगी, उन्होंने मीडिया से कहा। करहल विधानसभा अखिलेश यादव के विरोध में अच्छा प्रत्याशी ढूंढकर नामांकन से पहले लाएंगे और चुनाव लड़ाएंगे। पूरी दमदारी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, करहल में भी लड़ेगी और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत के आ रहे हैं और करहल में चक्करगंज में मना देंगे, चारों सीटें जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी। अब मुंगेरी लाल के असली सपने देखने को लगता है क्या, दिन में सपने देखने को लग रहा है। लेकिन मंत्री जी, अभी तक बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं किया है करहल में? होगा, पहली तारीख तक उनकी, ये थर्ड राउंड का पहली तारीख तक नामांकन की तिथि है, उससे पहले प्रत्याशी भी आएगा, दमदारी चुनाव भी होगा। नहीं, जैसे संजीव यादव नामांकन प्रतिक्रिया में था उसके बाद नहीं, अभी कोई जब तक घोषित प्रत्याशी नहीं होता तब तक कुछ परिगणना अनुचित रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से बेहतरीन प्रत्याशी होगा, जबरदस्त तरीके चुनाव होगा। सपा के मैनपुरी प्रत्याशी राजकुमार यादव ने पलटवार करते हुए कहा, दो बार बीजेपी को हरा चुके, इस बार भी बीजेपी को हरा कर ही दिखाऊंगा। तीसरी बार जीत के हैट्रिक लगाऊंगा और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने जो मुझ पर भरोसा और विश्वास जताया है, तीसरी बार जनता की सेवा और पार्टी की सेवा करने का मौका दिया है, पार्टी की आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगा। विधायक सपने देखना कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैनपुरी का इतिहास है कि यहाँ साइकिल जमा कभी कोई निकाल नहीं पाया। और विधायक जी, भाजपा को अभी तक करहल में अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कारण है? वहाँ इतनी बड़ी शख्सियत चुनाव लड़ रही है कि ढूंढना पड़ रहा है कौन आदमी टिक सकेगा वहाँ। अच्छा विधायक जी, आप जो पिछले काम हमारे सारे पूरे हो गए थे जी, और पूरे कामों का पत्थर बदल दिए इन लोगों ने, अब मैनपुरी में और नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे हम, और मैनपुरी में जो भी कार्य हुए हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार में होते हैं, 5 साल से बीजेपी की सरकार है। आपने कभी भाजपा के नेताओं से ये नहीं पूछा कि 5 साल में कौन सा एक काम किया, एक काम गिना दें वो एक काम। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 100%। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिर हार और जीत किसकी होती है। मुकाबला जबरदस्त है, करहल विधानसभा पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये वक्त ही बताएगा कि करहल पर आखिर अखिलेश की टक्कर में बीजेपी से कौन उम्मीदवार होता है। मैनपुरी से इंडिया पोस्ट यूपी उत्तराखंड के लिए रितेश गुप्ता की रिपोर्ट।